Hey guys, good morning. Welcome back to my new blog. आज का ब्लॉग शिवांश और सुभांश के लिए थोड़ा स्पेशल है. बहुत ज्यादा स्पेशल. पूल मस्ती से भी ज्यादा स्पेशल. क्या है स्पेशल बताओ क्या स्पेशल है? क्या है कि हम जाएंगे खेलगांव में खेलने. खेलगांव में खेलने ये स्पेशल है. आज रिजल्ट है इन गधों का. अरे तो वही तो रिजल्ट है ना. अरे उसी को रिजल्ट बोलते हैं. रिपोर्ट कार्ड ले जाएंगे पापा. तो नाश्ते में बनाया है आज हमारे लिए तो दही चूड़ा और गुड़. गुड़ का क्या खाते हैं? के लिए पोहा नहीं है, ये चावल फ्राइड चावल है. उसके बाद जाएंगे पार्टी करने. अगर अच्छे मार्क्स आए होंगे तो. अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे तो पार्टी वोटी नहीं होगी. रिजल्ट तो कर लेना. देखो मम्मा कैसे बैठी है. देखो वैसे भी हम मोटे हो रहे हैं. तो खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं हम लोग. तो अभी गाइस फैमिली से एक साथ बैठी आपस में हमने डिस्कस किया कि बच्चे अभी छोटे हैं तो क्योंकि खेलगांव थोड़ा दूर पड़ जाता है. अब ऐसे प्लानिंग है 100% की नेक्स्ट ईयर से वहीं पर करना है. इस साल के लिए अभी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं इस स्कूल में पढ़ने दें. एक हफ्ते से खेलगांव चल रहा था. खेलगांव अब खेलगांव में कुछ नहीं. सुनो यार जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आप लोग ना अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहां जाना. कौन से ढूंढना पड़ेगा? इसी में पढ़ना है अनुष्का के साथ. सहमति है याद रखिएगा. अगर भी भविष्य में लड़ाई करती है कि बच्चों का एडमिशन वहाँ क्यों नहीं कराया, वहीं करा देना था, ये था, ये होगा 100% होगा. तो ये रिकॉर्डिंग जो है मैडम को दिखाऊंगा चला के देख लो. ठीक है ना? पक्का डन कर दें. डन. ये मैडम सूट लेकर आई हैं. मुझे इतना सा भी पसंद नहीं है और इनको बड़ा अच्छा लगता है ये. ठीक है इनका स्टाइल है भाई, इनका शौक है. सो गाइस तैयार हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं इनका रिजल्ट लेने के लिए स्कूल. सो गाइस पहुंच चुके हैं स्कूल. अब होगा आपका रिजल्ट. अच्छा वो तो पापा भी लिए थे. वो ऐसे देखो इसको ऐसे कर देते ना खुल जाते हैं. सो गाइस आ चुके हैं स्कूल से. इन भाई साहब ने कमाल कर दिया है. क्लास में थर्ड आए हैं. ठीक है अभी कंपटीशन शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होगा. आओ बेटा इधर आ. क्या जल्दबाजी है? दोनों सेम हैं लेकिन थोड़ा सा भाई साहब पीछे रह गए, लेकिन कोई बात नहीं. दोनों एक हर आदमी एक जैसा नहीं होता, एक बराबर नहीं होता है ना. नेक्स्ट टाइम से करोगे अच्छे से है ना. तो भाई जैसा कि हमने अभी बच्चों का पेपर देखा, पेपर में आती हुई चीज छोड़ कर आए हैं. सब आता है, सब मालूम है उनको, बट छोड़ कर आए हैं. अब मार्क्स उसी का कटा है. ठीक है चलो. गाड़ी से गिरे होंगे. एक्सीडेंट कहाँ? एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं भाई, थोड़ा सा खरोच आया है. उसमें डेटॉल लगा के बढ़िया से पता नहीं क्या क्या अपना लेक्चर बाजी लगे हुए हैं. हटो नहीं करते हैं यार. दो स्प्रे रूम में. जब तुम्हारे घर में दो डॉक्टर हो तो टेंशन नहीं है भाई. खूब चोट लगवाओ, खूब करो. देखो एक डॉक्टर ये, एक डॉक्टर वो. एक तो सन सुबह उसके तो सन दर्द है. हटो पैर के लिए अच्छा ही है पापा. और क्या पास दो ऑक्सीमीटर लाए. देखो ऑक्सीमीटर लेके ऑक्सीजन नाप रहा था. आज तो पक्का है कि ऑपरेशन हो करेगा. ऑपरेशन होगा सर, शरीर का होगा. ए भैया चुप सुनो. रोज सुबह खाने से पहले अभी दादी देखेगी कि मेरे बच्चे को क्या. ऐसे डॉक्टर से बचाया सबको.
बताना चाहता हूँ पास में आइए कैमरा वाले भाई साहब छोटा सा चोट है उसके लिए दो डॉक्टर लगे महान डॉक्टर वो डॉक्टर पास जाने जरूरत नहीं है कल से बता देना क्या बीमारी है सब सही कर देंगे। सो गाइस अभी थोड़ी देर पहले फनी गेम खेला था हमने शिवान तो सुभाष जो दूसरा चैनल है हमारा उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था एंजॉय किए गेम को हां तो ये भाई साहब जीते हैं इनको मजा मिला है और ये हारे हैं हारने वाले को भी मजा मिला है लंदन चलो वहां चले बब्बा को बैठने दो तो गाइस दोपहर के खाने में अभी स्टार्टिंग में तो सलाद है तो खाने में है कोफ्ता करी रोटी और ये लहसुन का अचार खा के थक गए हैं अभी बाकी है प्लेट में और आप ये जो कबड्डी खेल रहे हो खाने के साथ फिनिश करना है पूरा पूरा होगा ना पूरा अरे मैया से बच्चों का नहीं बेटा पूरा खत्म करना है उसको माजा पार्टी होने के बाद अब स्लीपिंग पार्टी झुंड में तो सुअर आते हैं शेर तो अकेला ही आता है शेर तो अकेला ही आता है जो है हम बहुत मस्ती हो रहा है खाने के बाद मस्ती हो रहा है खाना खाने के बाद मस्ती कर रहा है देखो दोनों देख उस रूम से भाग के यहाँ आके मस्ती करना यहाँ आके मस्ती करना यहाँ आके मस्ती करना चलो आ जाओ चलो चलो नहीं चलना बाजार में आप बाजार नहीं जाओगे ना जाओ आप नहीं जाओगे बाजार जाओ हम जा रहे ओ नल्ली सही बात है पैदल चलना चाहिए उससे हेल्थ भी बना रहता है क्यों भैया अगर थक गए तो क्या हो गया हाँ थक गए तो पैदल फिर गोदी उठा लेगी मम्मा कुछ लाना है क्या बाजार से नहीं कोहरा लगता है अभी ये कोहरा तो दो ही आदमी के लिए हो जाएगा। सो गाइस हो गया है डिनर तो बाहर से करके आए थे एक्चुअली रोल खा लिया था बाहर अब मैडम खा रही है घर में भुजिया है केला है देख रहे हैं ढोकले का डब्बा खाली हो गया एकदम है ना केला में खाया हूँ ढोकला में खाया हूँ भाई खा तो तुम ही रही हो बैठ के ना आपको दिख ही रहा होगा कौन खा रहा है मैं खा रहा हूँ ये खा रही है मैडम आपके पेट में गया हो किसके पेट में गया है आपके पेट में बताओ मैं अभी उधर से ब्लॉगिंग करता हुआ आ रहा हूँ खाने बैठी है मैडम इल्जाम लगा रही है कि मैंने खाया मजाक कर रहा था सब लोग मिलके खाया था अरे अंधेरा अंधेरा कायम हो दोनों कायम है दादी की बात पकड़ने के लिए कायम है और जब तक दादी नहीं थी तब तक फाफा फाफा पापा मामा पापा मामा और दादी आ गई तो दादी के पास जागे आप दोनों जाओ मैं मम्मा के पास आऊंगा अपनी मम्मा के पास प्रॉमिस करो बताओ बिना जाने कैसे प्रॉमिस कर दे भाई मैं नहीं कर रहा हूँ क्या जोधा अकबर अच्छा मोबाइल नहीं 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 पूरा बात करते थे ठुक रहा था गंदा बच्चा सुभाष का है ज्यादा खाली है क्या अर्जुन बेटा हैं बोलो भैया ज्यादा खाली हो क्या चलो सोने का टाइम मोबाइल बंद करो दादी के मोबाइल चले या नहीं नेट ही नहीं है नेट ही नहीं है रिचार्ज नहीं कराया पापा चलो गुड नाइट। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही होप ब्लॉग आपको आज का पसंद आया होगा प्लीज़ चैनल पे बने रहिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो और अगर पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
गुड नाइट।